ये सैल्यूट अवार्ड है। अवार्ड तो आप लोगों की दुआ से इंडस्ट्री में मैं 40 साल से ले रहा हूँ, और लेकिन ये कि ये दोस्तों का जो अवार्ड होता है ये बहुत अहम अहमियत इसकी होती है। और आरिफ जो है हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं, हम सब ने मिल के कंधे से कंधा मिल के इस मुंबई शहर में बहुत स्ट्रगल किया, तब जा करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोजीशन बनी है। तो मैं आरिफ को और उनकी पूरी टीम को, आइला अवार्ड को मैं थैंक यू बोलूँगा, और जिन लोगों ने भी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह पे ये अवार्ड को ऑर्गेनाइज़ किया तो मैं सबको थैंक्स बोलूँगा। और यही है कि आप अपना काम अच्छे से करते रहिए और अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए, आपके काम में ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो आपको ऐसे कई अवार्ड मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे। सर, आपके क्या प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं? प्रोजेक्ट ये है कि अभी एक फिल्म मैंने यूपी में की, कानपुर में आदेश, जो कम्प्लीट हो गई है। एक फिल्म अभी आज़म रिलीज़ हुई है, अच्छी चल रही है, बहुत अंडरवर्ल्ड पे ये फिल्म है। दूसरी फिल्म जो मेरी रिलीज़ हो गई अगस्त में वो है गदर 2। अनिल शर्मा जी इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जी ने इसको ये किया है, फाइनेंस किया है। और अमीषा पटेल जी, सनी देओल जी और अनिल शर्मा जी के बेटे हैं, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, एक्शन बहुत अच्छा है। टीनू वर्मा जी का, साउथ के भी एक्शन डायरेक्टर है। तो बस ये एक फिल्म जो है, बहुत बड़ी फिल्म अगस्त में रिलीज हो, इसकी उम्मीद है। सर, बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में बन रही है और वेब सीरीज भी आ रही है, बॉलीवुड में क्या फ्यूचर अभी का क्या है आपका? देखिए, ये बॉलीवुड तो चलता ही रहेगा, अप्स एंड डाउन तो होता ही है, और हर चीज़ का अप्स होता है, डाउन होता है। तो अभी कुछ सालों से कोरोना की वजह से कुछ फिल्में कुछ फ्लॉप भी हो रही हैं, बहुत सी फिल्में जैसे पठान सुपर डुपर हिट हुई, कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि वो काम अच्छा नहीं हुआ या मेकिंग में कोई ये है, होता है। लेकिन वेब सीरीज़ भी बन रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी वेब सीरीज़ बहुत सारी बन रही है, इससे बहुत सारे कलाकारों को फ़ायदा हुआ जो घर में बैठे हुए थे, जो पुराने एक्टर थे, जो बिल्कुल अपने आप को रिटायर समझते थे, तो फिर से लाइमलाइट में आए। और अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ये, जैसे कि पहले के ज़माने में टेलीविज़न में लोग काम नहीं करते थे, हम जब टेलीविज़न में काम करते थे लोग शर्म समझते थे, लेकिन आज बड़े बड़े कलाकारों ने टेलीविज़न पर काम करना शुरू किया, तो आज भी चल रहे हैं। सॉली भाई, मीडिया आपको कभी भी आपके पीछे भागती है और आप काफ़ी सामने से काम कर रहे हैं, आपको बॉलीवुड के सभी स्टार साथ में आप काम किया है, कुछ मीडिया के बारे में कुछ बोलते हैं तो अच्छा रहेगा? देखिए, मीडिया की वजह से हम लोग आज जो भी जिस पोजीशन पे हैं, क्योंकि अगर मीडिया हमको सपोर्ट न करे तो मेरे बारे में कौन जानेगा, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया। तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि जब मैं स्ट्रगल करता था उस ज़माने में भी हमारे कुछ कला दोस्त हैं, उसमें से एक आप भी हैं, जो हमको हमेशा प्रमोट करते थे, छापते थे, जेडे जौहर साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उस ज़माने मेरा मायापुरी में इंटरव्यू किया था, शरद राय जी और मुंडे जी, ये सारे लोग उस ज़माने से हमको प्यार करते हैं और आज भी करते हैं। तो मैं आप सबका, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइज किया, तमाम गेस्ट आए, नामी गिरामी हस्तियाँ आई, तमाम अपने नए आर्टिस्ट को भी अवार्ड दिया, और सैल्यूट अवार्ड अपने आप में बहुत मायने रखता है। अवार्ड तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आज आपने कोरोना वॉरियर्स को भी सैल्यूट किया। जी बिल्कुल, क्या है कि हमारी आइला एसोसिएशन जो है, इसमें सभी लोग, कभी कुछ रोज़ खुआ खोदना, रोज़ पानी पीने वाले ऐसे कुछ लोग हैं, हमारी तरह कुछ खुशकिस्मत भी है जो साल भर भी नहीं कमाए तो हमारे को हमारी रोटी रोजी चल जाती है, लेकिन कुछ लोग जो पार्टी शो करते हैं, जो छोटे मोटे शो करके अपने बाल बच्चों को पालते हैं, उन लोगों ने जो किराए के घर में रहते हैं, जिनकी हालत ख़राब है, वो लोगों को जब कोरोना काल में आफत आई तो दोस्तों उनके घर में फाके पड़ने लगे, उनके बच्चे भूखे तिलमिलाने लगे, ऐसे में उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारे घर में राशन ही भेज दो, बहुत हालत ख़राब। मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक शिप का कैप्टन होने के वजह से मेरा फर्ज बनता था, मेरे अकाउंट में जो पैसा था मैंने उसमें से 75% तो बांट दिया, मैं उस वक्त मेरे पास सिर्फ 1,00,000 रुपया ही था। उसके बाद फिर जब मौका आया तो मैंने BN तिवारी सर को कहा कि सर हमारा तो अभी अकाउंट भी नहीं खुला आइला एसोसिएशन का, और जैसा खोलने गए तो कोरोना काल आ गया, तो उन्होंने कहा तुम फिक्र मत करो, सलमान खान सबको पैसा बांट रहे हैं, तुम जल्दी अपने अकाउंट नंबर भेजो। तो मैंने बोला था मैं 10-20-25 भेजूँगा, लेकिन साहब ऐसा है मैं तो निकला था
अकेला ही मंजिल जाने मार लोग आते गए और कारवा बनता गया। ऐसे में 300 लुकालाइक जुड़ गए साहब जी, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे जिनको मैं जानता नहीं था, जो मुझे नहीं जानते थे, ऐसे लोगों को भी हमने बहती गंगा में नहला दिया और हमने भला कराया। उसके बाद कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि आज मेरे पास 555 लुकालाइक है और सब मेरे आइला के मेम्बर हैं। और दोस्तों ये काम बी एन तिवारी सर, हमारी मदर बॉडी नहीं होती, हमारे सर नहीं होते तो नहीं होता। और आज का जो शो देख रहे हैं आप, तो ये जो राइट में मैडम खड़ी है हमारी, इनको बोलते हैं प्रेमा जी, प्रेमा अपाचार। और बाकी जो खड़े हैं वैशाली फिल्म क्रिएशन के हमारे बड़े भाई, मेरे 25 साल पुराने दोस्त अशोक सक्सेना साहब, ये नहीं होते तो आज ये शो देखने को नहीं मिलता। इन्होंने पहले मुझे हिम्मत दी शो करने के लिए, लेकिन मेरे घर में दो परिवार में दो लोग गुजर गए, दो भाई गुजर गए। फिर उसके बाद में जब अशोक भाई ने बताया कि भाई अरे भाई ये शो 2 साल से क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक अरे मेरा अनिल को मिला लो, आ जा अनिल मेरा भाई। फिर मैंने कहा कि भाई 2 साल से इन्होंने कहा कि तुम पोस्टपोन कर रहे हो शो को, लोग हंसेंगे, तो आज ये आइला की इज्जत रखने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों मैं वैशाली फिल्म क्रिएशन का हमेशा से शुक्रगुजार था और इस बार तो और बड़ा एक एहसान हो गया कि इनकी वजह से आज ये जो शो हुआ है, तो इसका श्रेय देता हूँ मैं सिर्फ वैशाली फिल्म क्रिएशन को। और ये फिल्म के इसकी शुरुआत करने की श्रेय देता हूँ मैं हमारे प्रेमा जी को। ये ना होते, ये दो लोग नहीं होते तो मैं शुरुआत नहीं करता। और साथ में हमारा साथ दिया है कि हमारे कल्पना चावड़ा जी हमेशा हमारे साथ जुड़ कर रही, जिन्होंने परिंदा में जैकी श्रॉफ के साथ में काम किया है, ये भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो ये हमारा ग्रुप जो है तो एक परिवार की तरह है। और मैं मेरे सब लुकालाइक भाइयों, तो आज मेरा भाई जो खड़ा है कोटा से आया है सिर्फ ये शो के लिए कि आरिफ भाई और हम दोनों से एक साथ, जैसा मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अनिल कपूर सर के साथ नाचूं, तो मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि मेरे साथ नाचूं। क्या अनिल कपूर साहब ने मेरी ख्वाहिश पूरी की, आज अल्लाह ने मेरे भाई की भी ख्वाहिश पूरी किया, हम दोनों ने एक साथ डांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका जो सपना था पूरा हुआ। बस किसी का सपना पूरा कर दो, और मैं चाहता हूँ कि कुरान में लिखा है कि तू ज़मीन वाले पर रहम कर, आसमान वाला तुझ पर रहम कर, तो मैं वही चीज़ को लेकर चला। मेरे फादर ने भी मरने से पहले मुझे ये कहा था कि मुंबई तो जा रहे हो बेटा, इंसान को इंसान समझना, हिंदू या मुसलमान ना समझना। फिर उन्होंने कुरान की एक बात बताई थी, कुरान कहता है कि ज़मीन पर जितने भी है, वो चाहे चूटी हो, हाथी हो, क्या कोई भी जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो या इंसान हो, वो इंसान किसी भी धर्म का हो, उससे प्यार कर। तूने उससे प्यार किया तो अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह से प्यार किया तो ईश्वर से प्यार किया, क्योंकि अल्लाह ही ईश्वर है, ईश्वर ही अल्लाह है, ये मेरे फादर ने कहा था। आज उसी थॉट को लेकर के हम चल रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ में हैं, और मैं हमारे रमाकांत मुंडे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मीडिया पार्टनर बने और इन्होंने इतने सारे चैनल को इकट्ठा किया। तो मैं रमाकांत मुंडे साहब को और उनके सारे चैनल को, पूरे इंटायर टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अब अशोक भाई दो शब्द, अशोक जी सक्सेना क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा आज के शो के बारे में, तो यही कहना चाहूँगा लोगों को सम्मान किया जी जी, आज के शो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आज का जो शो है तो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो रही है वो हमारे आर्य भाई की रही है, क्योंकि आर्य भाई का मेरा साथ 25 साल का था, क्योंकि मेरे बैनर को 25 साल पूरे हो रहे थे। तो मैं वैसे तो अपने शहर में ही मनाता हूँ, लेकिन आर्य भाई ने कहा कि नहीं इस बार तो बॉम्बे में मनाओ आके, तो इनके आशीर्वाद से आज हमारा ये शो बहुत ही सक्सेस हुआ। और किसी भी शो को सक्सेस करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, अगर मीडिया का हाथ ना हो तो आप कितना ही बढ़िया शो कर लीजिए, कितना ही बड़ा शो कर लीजिए, वो सक्सेस नहीं माना जाता। तो मेरी सभी मीडिया परिवार को एक बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया और अभी तक आप रुके हुए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वैशाली फिल्म परिवार की ओर से। कुछ बोल दिया है तो उनके बाद हम बोलना ठीक नहीं लगता है, फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि हमने जो किया है हम नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले ने जरिया बनाया, हम लोग ने किया है, मगर हम ये चाहते हैं कि जैसा हम करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ाने के लिए और कुछ लोग हमारे से जुड़े, हमारे साथ जैसा हम मदद कर रहे हैं, जैसा हम काम कर रहे हैं, वैसा लोग हमारे से जुड़ के आगे काम करें और हमारी हिम्मत बढ़ाए, और हम भी ऐसा काम करते हैं कि किसी को और हिम्मत देवे आगे बढ़े। और अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आरिफ सर है, मैं बोलती हूँ सर को, सर आज उसके पास प्रॉब्लम है, सर तुरंत कुछ ना कुछ उसका किसी को बात करेंगे, कुछ करेंगे, उसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अगर मेरे लाइफ कुछ काम है, सर मुझे कॉल करते हैं कि मैं ऐसा काम है प्रेमा जी,
सर, तो हम जो है एक दूसरे का साथ लेके जो काम करते हैं, कल्पना जी है, कल्पना जी को मैं फ़ोन करती हूँ, ये ऐसा काम है क्या? हाँ, वो मेरे को और सबसे ज़्यादा गाइड करती है कल्पना जी मुझे कि नहीं प्रेमा, स्ट्रॉन्ग रहना है, ये सब करना है। और हम जो ताकत हम दोनों में है वो आरिफ जी की वजह से है, और आज जो हम खड़े हैं सिर्फ उनकी वजह से है। हम कुछ नहीं कर सकते, आज जो भी मेहरबानी है आरिफ सर की है। और अपने हैंड ओवर किसी भी कार्यक्रम को ले लें, किसी भी काम को ले लें, तो ये ऐसा नामुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ख़राब हो जाए, ठीक है? क्योंकि जब आरिफ साहब ने उस चीज़ पर हाथ रख दिया है, शाहरुख खान के थोड़ा आवाज में कुछ, अरे यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कि मैं क्या बोलूँ, खुद से मैं बक 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 किए जा रहा हूँ। ऐसा बोलो ना, क्या सुनना चाहते हैं? तुम्हें मेरी चाहत हो, तुम्हें मेरा पागलपन हो, तुम्हें मेरा जुनून हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू। ये लड़की सोच रही थी कि मुझे बोलेगी।